हेलो फ्रेंड्स, अभिनव मिश्रा आप सभी का टॉपिकर पर स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता होगा फ्रेंड्स कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आज ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो आज ज्वाइन किया है क्लास को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे उनके हमारी वीडियो उनको मिलती रहे, ठीक है। और स्टूडेंट आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे लिंक दिया गया हुआ है, इस लिंक का यूज करके आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का कि HCF हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चंस में HCF फाइंड करना है, बट कंडीशन दी गई है कि हमें यूक्लाइड डिवीजन मेथड का यूज़ करना है। किसका यूज करना है? यूक्लाइड डिवीजन मेथड का, ठीक है। तो देखते हैं यूक्लाइड डिवीजन मेथड क्या होता है। अब देखो, यूक्लाइड डिवीजन मेथड जो होता है एक्चुअल में ये डिवीजन ही होता है। यूक्लाइड डिवीजन मेथड जो होता है ये क्या होता है? एक तरह का डिवीजन ही होता है, ठीक है। बट इसमें लिखने का तरीका बदल जाता है। क्या बदल जाता है? लिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइजर होता है, फिर ब्रेक बीच में क्वाड्रेंट लिखते हैं, फिर उधर डिविडेंट और नीचे रिमाइंडर लिखा जाता है। इसमें एक लाइन में उसी चीज को, जो क्वाड्रेंट होता है वो किसके बराबर होता है? डिवाइजर इंटू डिविडेंट प्लस रिमाइंडर के। तो यही थ्योरम का यूज यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। किस मेथड का यूज करके? यूक्लाइड डिवीजन मेथड का यूज करके, ठीक है। तो इस मेथड में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। 225 और 135 में कौन ग्रेटर है? 225 ग्रेटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब 135 से 225 को डिवाइड करना है। रफ में आप डिवाइड कर लीजिए या आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब 135 का 225 में कितनी बार जाएगा डिवीजन? वन बार जाएगा, तो 135 इंटू 1 लिख दिया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा? 90, तो रिमाइंडर को किस में कर दिया? 90 में कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास अब कौन बचा? 135 और 90। अब 135 और 90 इन दोनों में कौन बड़ा है? 135। तो 135 को हम डिवाइड करेंगे किससे करेंगे? 90 से करेंगे। तो कितनी बार डिवाइड जाएगा? वन बार। और रिमाइंडर कितना बचेगा? 45। कितना रिमाइंडर बचेगा? 45, ठीक है। यहां तक स्टेप समझ में आ गया। फिर अब किस में देखेंगे? 90 में देखेंगे और 45 में देखेंगे। कौन बड़ा है? 90 बड़ा है। 90 को किससे डिवाइड करेंगे? 45 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना जाएगा? 0। जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाए वहीं पे हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और किसके डिवाइड करने से 0 आया है? 45। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 45। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 196 एंड 38220 में। 196 एंड 38220 में देखो कौन बड़ा है? 38220। इसमें किससे डिवाइड करना है? 196। आप रफ में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 195 बार। कितना रिमाइंडर आ गया? 0। पहले ही स्टेप में 0 आ गया, तो HCF हमारा कितना हो गया? 196, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है 867 एंड 255 का। 867 और 255 का बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन बड़ा है। 867 बड़ा है। कौन बड़ा है? 867 बड़ा है। कितना बड़ा है? 225 बड़ा है, ठीक है। तो 255 से 867 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार गया, 225 3 जा कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा वो? 765
5 और ये कितना है 867, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 102 बचेगा। फिर 255 और 102 का एलसीएम निकालेंगे, तो 225 को किससे डिवाइड करेंगे 102 से, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 51। फिर 51 और 102 का निकालेंगे, तो 102 किससे डिवाइड करेंगे 51 से, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया हमारा प्रोसेस स्टॉप और एचसीएफ हमारा क्या बन जाएगा 51। एचसीएफ क्या बन जाएगा 51। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट हमें ये दिखाना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में होता है। 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म में होता है, ठीक है, कोई भी ऑड इंटीजर। समझ में आ गया? इसमें भी क्या यूज करेंगे हम? एल्गोरिथम मेथड। तो हमने लेट कर लिया इसमें कि ए जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर है और बी क्या है 6, ठीक है। यूक्लाइड मेथड का यूज करेंगे तो भाई हमारा क्वाड्रेंट किसके बराबर हो जाता है, डिवाइजर, डिवाइजर हमारा कितना है 6, क्यू क्या है डिविडेंड और आर रिमाइंडर। तो आप लोग याद रखिएगा, कोई भी नंबर किसी भी नंबर से जिससे डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर कभी उससे ज्यादा नहीं बचता, हमेशा उससे कम बचेगा। तो अगर 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बच सकता, 6 बचेगा तो एक बार और चला जाएगा, 7 बचेगा तो 1 बचेगा, फिर 8 आएगा तो 2 बचेगा, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं बच सकता। अब व्हेन रिमाइंडर जब 1 रखोगे तो क्या आएगा a=6q+1, 3 रखोगे तो 6q+3, r रखोगे तो 6q+5, अच्छा 0, 2, 4 भी रख सकते हो, लेकिन जब 0, 2, 4 रखोगे तो कंडीशन क्या बनी है ऑड इंटीजर, 0, 2, 4 अगर आप रखते हो तो वो क्या हो जाएगा इवन इंटीजर हो जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए ऑड इंटीजर चाहिए। r इक्वल टू 0, 2, 4 भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन इट विल डिविजिबल बाई 2, ये जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो कैसा बन जाएगा इवन इंटीजर बन जाएगा, और हमें क्या चाहिए ऑड इंटीजर, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे 1, 3, 5, तो 6q+1, 6q+3, 6q+5 क्या हो जाएगा ऑड इंटीजर, हमारा क्या बन जाएगा ऑड इंटीजर बन जाएगा। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिंजेंट्स ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। कह रहा है कि टोटल जो है 616 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं जिनको आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है परेड करना है, 32 मेंबर्स। तो पूछ रहा है कितने ग्रुप, कितने मैक्सिमम ऑफ कॉलम, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का जरूरत हमें पड़ेगी, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जहां पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ की बात करें वहां पे हम क्या निकालते हैं एचसीएफ, कितने टोटल है 616 मेंबर हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स को बिहाइंड एक के पीछे एक कितने खड़े होंगे 32, कितने लगेंगे तो सिंपली आप क्या करिए 616 और 32 का क्या निकाल लेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालने का तरीका वही रहेगा, 32 से 616 को डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा 19 बार, रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब 32 और 8 का निकाल लीजिए, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 जाएगा, आप यही यूक्लाइड मेथड लगा सकते हैं, कितना रिमाइंडर आया 0, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया हमारा प्रोसेस स्टॉप, एचसीएफ कितना हो गया हमारा 8, तो जो हमारा एचसीएफ होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। आया समझ में? ठीक है,
इसका 4 क्वेश्चन जो है और 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। ठीक है, कल आप लोग इसको करके लाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे, नहीं आएगा हम आपको इसको फिर से बताएंगे। ठीक है, आपको ये ट्राई करना है, नहीं आएगा हम आपको ये क्वेश्चन कराएंगे। और कमेंट जो जो ट्राई करिएगा कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा आपको क्वेश्चन आया कि नहीं आया, हम इसको आपको अच्छे से कराएंगे। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर मुझे इस चीज़ पे डाउट है, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।